मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के साइबर अपराधी इतने शातिर हो गए कि वो अब पुलिस अफसरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ग्वालियर के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर संतोष शर्मा को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया। ठगों ने खुद को बैंक कर्मी बताकर सब इंस्पेक्टर को अपनी बैंक डिटेल बताने के लिए मना लिया। इसके बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर के क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख रुपए की खरीदारी भी कर ली, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। थाना क्राइम ब्रांच में एक जो हमारे पुलिस विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके खाते से लगभग अक्टूबर माह से कुल 1,99,000 रुपये की राशि खरीदी की गई है और जो बेंगलोर में उनके खाते से डिडक्शन हुआ है, जिस पर से शिकायत जांच पर से हमने एक मामला IT एक्ट और 420 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया है और विवेचना में ले लिया है। और जल्द ही साइबर की टीम हमारी इस मामले को ट्रेस करने के लिए लगी हुई है कि किसके द्वारा उनके अकाउंट से अमाउंट डेबिट किया गया है। उनके कार्ड के माध्यम से बेंगलोर में कुछ शॉपिंग वगैरह की गई है जिसमें ये राशि डिडक्ट हुई है। अभी हम संबंधित जो भी चीज़ है वहाँ पे टीम रवाना करेंगे और जो भी बिल्स वगैरह प्राप्त हुए हैं उनको तस्दीक करा करके इसमें जाँच करेंगे।